कुछ दिन पहले एकता कपूर की आने वाली फिल्म हिट स्टोरी का पोस्टर लॉन्च हुआ था और लॉन्च होते ये पोस्टर विवादों में आ गया था क्योंकि एकता कपूर ने साल 2015 में आई एक फिल्म लव के पोस्टर को हूबहू कॉपी कर लिया था और जिसके बाद सोशल मीडिया पर एकता कपूर के ऊपर चोरी के कई इल्जाम लगे। बहुत सारे लोगों ने एकता कपूर को चोर और चुट्टिंग कहने का भी काम किया है। एकता कपूर की सोशल मीडिया पर इतनी धज्जियां उड़ाई गई कि फाइनली एकता कपूर ने माफी मांग ली है कि उनकी टीम से बहुत बड़ी गलती हो गई है। जब ये पोस्टर लॉन्च हुआ था तो उस वक्त लव फिल्म के जो डायरेक्टर है सुधांशु शरिया, उन्होंने ये बात कही थी, ये इंडस्ट्री ऐसी क्यों है, जब मैं उठा तो पता चला कि कड़ी मेहनत से बनाया गया हमारा पोस्टर G5 और आर्ट बालाजी एकता कपूर ने चोरी करके बना लिया है। इस पोस्टर को बनाने में हमारे डिजिटल आर्टिस्ट ने कई सालों तक मेहनत की और इसे बड़ी ही आसानी से एकता कपूर ने चुरा लिया था। इस पोस्टर को बनाने के लिए लव की टीम को 13 महीने की कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। जब मीडिया में एकता कपूर की धज्जियां उड़ाई जा रही थी और जब ये बात एकता कपूर तक पहुंची, हालांकि उन्हें पता ही था कि क्या चल रहा है, फिर भी एकता कपूर ने इस चीज के लिए माफी मांग ली है। उन्होंने कहा है कि हमारी डिजाइन टीम से ये गलती हो गई है, ये बात मुझे पता नहीं थी, इस चीज के लिए मैं माफी मांगती हूँ, ये बहुत बड़ी गलती है, हमारे हर प्लेटफॉर्म से इस पोस्टर को डिलीट कर दिया गया है, अब हम नया पोस्टर बनाएंगे। सोचिए अगर ये आवाज डिजिटल प्लेटफॉर्म और मीडिया में ना आती तो एकता कपूर को इन बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पोस्टर तो उन्होंने ऑलरेडी चुरा ही लिया था, उसे इस्तेमाल भी कर लेती, फिल्म रिलीज भी हो जाती, पुरानी भी हो जाती और कोई क्रेडिट तो दे ही नहीं रही थी वो। लेकिन सोशल मीडिया पर आवाज उठी जिसके चलते एकता कपूर को माफी मांगनी पड़ी, उनकी इज्जत की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई। यानी एकता कपूर के लिए वही बात हो जाती कि रात गई बात गई और वो सब कुछ भूल कर आगे निकल जाती। तो ये बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा कदम है कि एकता कपूर ने अपने इस घिनौने काम के लिए माफी मांग ली है। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहे आपकी बात मुकेश के साथ, धन्यवाद।